नमस्कार दोस्तों, इस लेसन में हम सीखने की कोशिश करेंगे सजा दो घर को गुलशन से। तो एक बार आपको सुना देता हूँ, फिर इसको हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से धुन है इस भजन की। इसके अलावा लगन तुमसे लगा बैठे, इसका भी सेम कंपोजिशन है। जगत के रंग क्या देखूं, तो ये काफी डिवोशनल भजन है जिस पर काफी सारे लिरिक्स चेंज कर करके अलग अलग भजन बनाए गए हैं। तो इसकी स्टार्टिंग आपको करनी है, सा नोट से आपको उठाना है। सबसे पहले आपको जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सरगम भी प्ले करना नहीं आती है और आप सीधा भजन या फिर सॉन्ग्स पर जंप करने लग गए, तो इससे आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। आपको सरगम अच्छे से आना चाहिए। इसमें ज्यादातर प्रयोग म तीव्र का होना है। यह है सा रे ग, ये होता है म शुद्ध। जब हम हाफ इसको ओपन करते हैं और सारे ओपन रखेंगे तो वो होगा म तीव्र। अब म तीव्र बजाने में काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हम लास्ट का जो होल है इसको हम क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी म तीव्र आप बजा सकते हैं, क्योंकि साउंड का कोई फर्क नहीं आएगा। जो आपकी एयर है वो यहाँ से सीधे निकल जाएगी। तो जो आवाज सारे होल्स ओपन करने पर आती है, वही आवाज जब आप लास्ट का जो होल है उसको क्लोज करेंगे, सेकंड लास्ट होल है उसको क्लोज करेंगे, तब भी वही आवाज निकल के आएगी। तो आप सपोर्ट के लिए म तीव्र बजाने के लिए इन दो फिंगर्स को रख सकते हैं। लास्ट के जो दो होल्स हैं उसको कवर कर सकते हैं। तो अब आपको देखिए कैसे बजाना है। सा नोट से स्टार्ट करना है, फिर आपको आना है सजा, जो सजा दो घर आपको समझना है। सजा यहाँ पर एक ही स्वर है, सजा दो, यहाँ पर स्वर बढ़ा, सजा दो, दो वापस आया फिर वापस गया, सजा दो घर। इस तरीके से आपको समझना है कहाँ कहाँ पर जो स्वर है कितना स्टेबल है, किस पॉइंट पर, और कहाँ पर वो आगे मूव कर रहा है, कहाँ पर पीछे मूव कर रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अगर ध्यान में रखते हैं तो जल्दी आप सीख पाएंगे। इस तरीके से आया है सजा दो घर, सा सा म तीव्र ग म तीव्र प, सा सा म ग म प, यहां पर जो म है वो म तीव्र है, ठीक है। सा सा म ग सा सा म ग म प। इतना हुआ सजा दो घर, यहां तक हुआ को गुलशन सा, यहां तक हुआ को गुलशन सा। अब यहां पर म तीव्र और म शुद्ध दोनों का ही प्रयोग है। म तीव्र प म तीव्र, म प म, फिर यहां पर जो म यूज हुआ है वो म तीव्र है, इसके बाद ग और फिर म शुद्ध, ठीक है। आपको रिटर्न में नोटेशन चाहिए तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको ऐप या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल की, वहां पर आप उसको देख सकते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको रटना नहीं है लिरिक्स, सॉरी इसके जो नोट्स है वो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कहां पर म तीव्र का प्रयोग हुआ है, कहां पर म शुद्ध का प्रयोग हुआ है। फिर से देखते हैं म प म ग म
शुद्ध गा, ठीक है, कहां पर म शुद्ध है, कहां पर म तीव्र है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से जो फीलिंग है, जो भाव है, वो निकल के आता है। फिर से देखते हैं पहली लाइन, सा सा म गा म पा म गा, पा गे नी सा म, यहां पर म तीव्र। ठीक पा गे नी सा म पा पगारे सा, पगारे सा, पगारे सा। फिर से एक बार पूरा लूप देखते हैं, फिर से देखिए, सा सा म गा म पा म गा म शुद्ध गा, प गे नी सा मा प गे सा। इस तरीके से आपको ट्राई करना है। तो जो इसका मुखड़ा है, इसको बार बार यही रिपीट नोट, जो यही धुन है वो रिपीट होगी बार बार। फिर इसके बाद जो दूसरी धुन है, इसमें सिर्फ दो ही धुन है जिसमें ये पूरा भजन बार बार लूप पर रिपीट होगा। सिर्फ इसके बोल, जो लिरिक्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे। अब इसका जो अंतरा है वो कैसे उठाना है, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। यहां पर आपको जो मीडियम ऑक्टेव का नी स्वर है, वहां से आपको स्टार्ट करना है। नी 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 धा, ओके, नी 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 धा, इस तरीके से पखारो नी 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 धा। इसके बाद पखारो इतना हुआ, फिर इनके चरणों को ध सा, यहाँ ऑक्टेव का सा, हाँ इनके चरणों को, फिर से देखते हैं, सा नी धा सा नी धा मा, यह है म तीव्र। सारे होल्स ओपन, म तीव्र, लेकिन जब हम इन दो होल्स को या फिर इन तीन को कवर कर लेंगे तो कोई साउंड का फर्क नहीं है। तो इसलिए हम इसको भी रखा रहूंगा मैं, इसलिए ताकि जो फ्लूट है उसका सपोर्ट बना रहे और जो फिंगर्स का मूवमेंट है वो ज्यादा ना हो, इसलिए इसको अपन रख सकते हैं। ठीक है, आप भी रख के देखिए, साउंड का कोई फर्क नहीं आएगा। फिर से देखते हैं, पखारो इनके चरणों को धा सा नी धा मा तीव्र धानी, इतना हुआ, नी धा पा बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा में आपको ध नोट से स्टार्ट करना है, ध प और म तीव्र, ध प म तीव्र। बहाकर बहाकर ध प म,
धपा मा मा धा धा नी धपा मा पा प म ध प म गरे प्रेम की गंगा म शुद्ध गरे सानी सा। इसके बाद फिर से जो लूप है, जो स्टार्टिंग वाला है, सजा दो घर, ये वाली जो धुन है वापस से रिपीट हो जाएगी। देखिए जो अंतरा है उसमें जो बोल है इसके, बिछा दो अपनी पलकों से, तो इस तरीके से ये भजन है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इसको चेक कीजिए और मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको सारे नोट्स लिख के बता दूँ स्क्रीन पर और आप उसको कॉपी करके बजाने लग जाएं, तो इससे आपकी जो ग्रोथ है, जो लर्निंग है, वो रुक जाएगी, है ना। तो इसलिए आपको चीज़ें समझना है, जो जो आपको थोड़ा बहुत हिंट लेना है, जो मैंने आपको नोट्स बताया उसकी मदद से आप हिट एंड ट्रायल कीजिए, आगे के नोट्स पीछे के नोट्स बजा कर देखिए, उससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।